कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सहित कई राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई में पैदा हुई भारी किल्लत को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में महामारी खराब स्थिति में है, ऐसे में केंद्र सरकार को बीते 3 दिन के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई का ब्यौरा देना चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार पर सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों को जेल में डालने से कुछ नहीं होने वाला, लिहाजा कोर्ट ये तय करना चाहती है कि किसी तरह लोगों की जिंदगी बचनी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने राजधानी यानी दिल्ली में पैदा हुए ऑक्सीजन के संकट को लेकर सुझाव देते हुए कहा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम साइंटिफिक होना चाहिए। मुंबई में नगर निगम ने इस मामले में बहुत बेहतर काम किया है, लिहाजा दिल्ली को इस मामले में उससे सीख लेनी चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ऑक्सीजन के मामले में दिल्ली की मांग ज्यादा है, जिसके लिए संसाधनों की बड़ी जरूरत है। जस्टिस शाह ने कमेंट किया कि यह इमरजेंसी वाली स्थिति है, लोगों की मौत की वजह ऑक्सीजन का संकट रहा है। भले ही केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन संकट अभी बना हुआ है। ऐसे में सरकार को अपनी प्लानिंग अदालत को बतानी चाहिए। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा, जबकि अदालत ने सुझाव दिया कि एक कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें निष्पक्ष माहिरों को शामिल किया जाए। इसमें सेंटर और दिल्ली के अफसर भी शामिल होने चाहिए। ऑक्सीजन को लेकर आ रही दिक्कतों और अन्य पहलुओं को सुधारने के बारे में रिपोर्ट सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं करना चाहते। अदालत को बेहतर मालूम है कि अधिकारी दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। नोडल अफसर कोरोना पॉजिटिव थे, फिर भी अदालत में डिटेल जानकारी दी थी। ऐसे में सिर्फ अफसरों को दंडित करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपना पक्ष रखने के दौरान कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में अवमानना की जो प्रक्रिया शुरू की है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि केंद्र और तमाम अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं। ये मामला चीफ जस्टिस इंडिया के सामने रखते हुए उन्होंने कहा। डेस्क रिपोर्ट जनहितेश न्यूज़।